लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। जहां एक ओर देश का कई हिस्सा जोरदार बारिश से आई बाढ़ के चपेट से जूझ रहा है, तो वहीं इसका गहरा असर कहीं न कहीं रेलवे पर भी पड़ा है। कई ट्रेन रद्द हैं तो कई ट्रेन घंटों विलंब से चल रही है, लेकिन अब बारिश ट्रेन के अंदर बैठे ट्रेन के चालकों को भी भिगोने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। एक ओर जहां हम देश में तेज रफ्तार और सुख सुविधाओं से संपन्न बुलेट ट्रेन जैसी रेल दौड़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय रेल की दुर्दशा का ऐसा मंजर भी देखने को मिला, जहां बारिश के पानी से ट्रेन को चलाने वाले चालक ही भीगने को मजबूर हैं। कैमरे में कैद हुई पर्दे के पीछे की छिपी सच्चाई। बरका काना गोमो आसनसोल पैसेंजर ट्रेन के इंजन में पानी गिरता रहा। चालक जी आर बख्शी और सहायक चालक मुकेश कुमार गोमो की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भारी बारिश की वजह से इंजन में पानी रिसने लगा। परेशानी बढ़ गई तो दोनों ने छाता निकाला और उसे तान कर ट्रेन चलाने लगे। साथ ही इस मामले की जानकारी अपने TLC को भी दी। इसी तरह CIC रेल खंड में भी एक मालगाड़ी के इंजन में पानी गिरता देखा गया, तो चालक और सहायक चालक ने छाता लगा लिया। धनबाद और गोमो स्टेशन के बीच हॉल्ट के DRM ने माना कि बरसात के समय में ज्यादा बारिश होने से इंजन में पानी टपकने लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे का ये बुरा हाल सरकार तक पहुंचे, ताकि कम से कम बुलेट ट्रेन के चालकों को इस तरह की परेशानियां न हो? क्या आप भी इस तरह की रेलगाड़ी में सफर करना पसंद करेंगे? हमें लिखकर जरूर भेजें।